हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलो फ्रेंड्स, बात करूंगा आज आपसे मैं साइंस के बारे में। साइंस के क्वेश्चंस देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भाई इसमें जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो देखिए, देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, व्हाट किसका मात्रक होता है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल ही बात है, आप जानते हैं इस बात को कि व्हाट किसका मात्रक होता है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यूनिट्स आपसे पूछी जाती है साइंस में। और आपसे बात करें कि साइंस में न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिकल्स बात करें, हम विद्युत से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। और लाइट के बारे में बात करें, लाइट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं वीडियो डाल चुका हूँ जिनके बारे में कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करूँगा गाइस। और देखिए प्रैक्टिस सेट है आपके सामने कराने जा रहा हूँ ये, तो देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट किसका मात्रक होता है। तो गाइस जानते, शक्ति का मात्रक होता है। ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है गाइस? तो ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण आता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर कितना होता है? तो 2.4। वैसे अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 2.36 होता है, 2.36 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, टांका लगाने पर तार किन धातुओं से बना होता है? देखिए टांका लगाने वाला जो तार होता है किस चीज़ का बना होता है, ये पूछ रहा है आपसे। टांका लगाने वाला जो तार होता है किस चीज़ का होता है? आपने देखा होगा जो अपने इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पे देखा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक काम होते हैं, कि किस टाइप का जो आपने देखा होगा आयरन रॉड होती है, उससे आपको टांका लगाया जाता है। कौन सा तार होता है, किस चीज़ का तार बना होता है? वो होता है टिन और लेड का बना होता है, टिन और लेड का बना होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के बाह्य कक्ष की बात करें तो भाई उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको समझ रखा है औंठी। देखिए ऑर्निथोलॉजी किस चीज़ की है? ऑर्निथोलॉजी किस चीज़ से संबंधित है, मैं ये आपसे पूछ रहा है। तो किस चीज़ से संबंधित है गाइस? ये सब्जेक्ट है, आपको पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो गाइस आपको बता दूं कि लुसेंट की आपके पास कोई भी जीके की बुक होती है तो उसमें सभी जो साइंस होती है कि क्या क्या किस चीज़ में पढ़ा जाता है उसके सभी आपको मिल जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस में पढ़ी जाती है। जैसे बात करें इसमें ऑर्निथोलॉजी किस में क्या पढ़ा जाता है, इसमें पढ़ा जाता है पक्षी विज्ञान, ये पक्षी विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्णरंता। देखिए वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपने देखा होगा वर्णांधता बोलते हैं कलर विजन जो होता है वो किस चीज़ से कारण, किस चीज़ के कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से, आपने देखा होगा जिसे रतौंधी भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, आपको पता होगा। देखिए सी सी एल फोर की संरचना है। देखिए सी सी एल फोर की संरचना किस टाइप की होती है आपसे पूछ रहा है गाइस। तो आपका चतुष्फलकीय होती है, क्यों कार्बन की कैसे होती है? चतुष्फलकीय होती है, कार्बन से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 इस पे जब जुड़े जाते हैं तो किस तरीके से जुड़ता है कार्बन? कार्बन अपने आप से जो जुड़ता है, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ देखा होगा, CH4 को देखा होगा, तो किस तरीके से जुड़ा होता है? चतुष्फलकीय अवस्था में। नेक्स्ट देखा, मुख्यतः फ्यूज परपथ में किस तार में जुड़ा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। फ्यूज जो आपने देखा होगा, फ्यूज घरों में लगाया जाता है, अपने लाइट जो लगाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा फ्यूज कौन से वायर में लगाया जाता है? अर्थिंग में लगाया जाता है, करंट में लगाया जाता है, इस किस चीज़ में लगाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा गाइस, मुख्य धारा में जुड़ा जाता है, फेज वायर होता है ना उसमें जुड़ा जाता है, फेज वायर होता है ना उसमें ही जुड़ा जाता है, ना तो उदासीन में जो न्यूट्रल उसमें जुड़ा जाता है, ना ही उसे अर्थिंग में जुड़ा जाता है। किस में जुड़ा जाता है? सिर्फ जो मुख्य तार होता है ना, मेन तार होता है जिसमें करंट आता है, उसको में ही जुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष आपने देखा होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे गाइस, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यही दूर दृष्टि के लिए बात करें तो कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से।
देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने, ए और बी के मध्य निम्न प्रतिरोध जुड़े हैं, तो समतुल प्रतिरोध क्या निकलेगा, ये पूछ रहा है। देखिए इसको सॉल्व लीजिएगा, आप इन दोनों कंबाइन करेंगे, आप ये क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों किस चीज़ में जुड़े हुए हैं, ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब ये सीरीज में जुड़े हुए तो दोनों को टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से फाइंड हो गया, तो 20 आ जाएगा। ये 20 ओम हो गया, ये 20 ओम नीचे दे रखा है। अब ये दोनों किस चीज़ में जुड़े हुए हैं, दोनों की बात करें तो ये और ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये आपके जुड़े हुए गाइस समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल सीरीज में। तो पैरेलल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, तो हम जानते हैं 1/r इक्वल टू क्या होगा, 1/20। कौन सा वाला 20, इन दोनों का जोड़ा था हमने जब, और 1/20, तो दोनों को जोड़ेंगे गाइस क्या निकलेगा, 20 LCM आएगा, जब से आप सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड करेंगे 1/10, तो आप देख सकते हैं। और जब इसको आप निकालेंगे क्या निकल के आएगा, 10 ओम, क्या निकल के आएगा, 10 ओम। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट करें, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला गाइस 1/f इक्वल टू होता है u प्लस, अब देखिए f क्या होता है, फोकस दूरी होती है, और बात करें आपसे u, u जो होता है गाइस ये होता है बिंब की दूरी, मतलब वस्तु की लेंस से दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी। तो इसमें पुट कर सकते हैं गाइस, जब आप पुट करेंगे 1/20 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/v, 1/v हमें फाइंड करना है, तो इधर लेके जाएंगे इसे, तो आप समझ पा रहे हैं आपका आंसर क्या है, कैसे निकल के आएगा। आप देख पा रहे हैं 1/v इक्वल टू निकल के आएगा 1/f, मतलब 1/20 में से माइनस करेंगे 1/10 को, तो LCM देख सकते हैं, LCM 20 आया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से देखिएगा, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2, 1/ इस तरीके से निकल के आ रहा है। देखो 20, अब आपको बता दूं ये क्या ले रखा था, माइनस ले रखा था, माइनस 1/10। तो गाइज आपको ये बता दूं कि जब हम बात करते हैं, जैसे कोई लेंस है इस तरीके से, जब हम इधर साइड की डिस्टेंस लेते हैं, इधर साइड की मतलब वस्तु की दूरी लेते हैं, मतलब बात करते हैं आपसे बिंब, मतलब बिंब बोले तो, जैसे आपके सामने किसी यहाँ वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो इस वस्तु की जो हम इधर साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं, तो उसे क्या लेते हैं, उसे नेगेटिव में लेते हैं, तो ये नेगेटिव में लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3/20, तो 3/20 निकल के आएगा, तो 1/v इक्वल टू निकला 3/20, और 3/20 को हम अगर v फाइंड करेंगे क्या करेंगे, 20/3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.666 ऐसे आएगा, 6.66। तो बात करें आपसे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे।
फॉर्मूला लेके चलते हैं, ये तो आपको पता बताया मैंने, एफ यू माइनस वन सॉरी प्लस होता है बीच में इस तरीके से। लेकिन हम बात करें इसे पहले से नेगेटिव लेके रखो तो ज़्यादा बेटर है, अगर पहले से नेगेटिव नहीं लेके रखते हैं तो गाइस इस वैल्यू हमेशा किस में लेके चलते हैं, जब आपके सामने हमारे पास क्या दे रखी थी, टेन दे रखी थी, जब टेन दे रखी थी हमने किस में ली, नेगेटिव में, नेगेटिव में क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर लेंस के इधर साइड में कोई वस्तु रखी हुई है उसको नेगेटिव में लेते हैं, इधर साइड में पॉजिटिव में लेते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं तो आपने सीधा सीधा ये देख लीजिए क्वाड्रेंट इस टाइप से होता है, जो ये जीरो होता है, वन टू थ्री पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव चलता है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछ रहा है जो संचायक बैटरी होती है गाइस तो उनमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आंसर होगा गाइस शीशे का प्रयोग किया जाता है, आप सीधा जाते हैं जानते हैं शीशा संचायक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दीर्घ दृष्टि, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि हो गया, दूरदृष्टि दोष बोले या फिर हम आपसे बोले दीर्घ दृष्टि दोष, दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों में आपसे पूछ रहा है कि इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, उत्तल लेंस के लिए निकट दृष्टि के लिए अवतल का, दूरदृष्टि के लिए उत्तल का। अगर लेंस के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए पढ़ा चुके हैं पहले ही फिजिक्स का टॉपिक, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, सिंपली बात है ये तो एम्पियर होती है। नेक्स्ट देखिएगा कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति किस चीज़ पर निर्भर करती है, आपसे पूछ रहा है तो किस पर करती है गाइस, रैम पर करती है, आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो आप बोलते हैं बड़े रैम वाला मोबाइल चाहिए तो रैम पर करती है, वैसे तो बहुत सारे बहुत चीज़ का रोल होता है लेकिन बात करें कंप्यूटर के बारे में तो रैम पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट चलिएगा हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम जो आपने देख जो होते हैं साइंस में आप पढ़े होंगे कौन सी क्रिया होती है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिएगा और नाभिकीय संलयन से क्या होता है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होती है, इस वजह से नाभिकीय संलयन तब बोलते हैं हाइड्रोजन बम बहुत हैवी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीमारी होती है, बीमारियों को आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, ये बोला पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो गाइस ये करता है यकृत को। आप ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस चीज में किया जाता है, तो आपको ये पता होगा नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है गाइस आपने देखा होगा जो एसी सीरीज में मतलब प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है, किस में किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा में। आपने कोई देखिए बैटरी की चीज, जैसे बात करूं मैं आपसे बैटरी वाली कोई चीज आप देख लीजिए कि कोई रेडियो होता है बैटरी से चलता है, उसमें कभी देखा है आपने ट्रांसफार्मर का यूज, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हाँ अगर दोनों का मिक्स होता है जैसे बैटरी से भी चला सकते हैं, अगर बात करें लाइट से भी चलता है तो हाँ उसमें पाया जाता है, लेकिन अगर मैं केवल बैटरी के बारे में बात करूं कि बैटरी से चला तो उसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यही मैं बात करूं लाइट वाली चीज़ के लिए हर चीज़ में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हाँ उनका साइज छोटा बड़ा देखते हैं आपने देखा होगा अलग अलग होता है, तो ये अलग हो सकता है, लेकिन किस चीज़ में किया जाता है, एसी सीरीज में, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, इसका मीथेन जो है गाइस आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स लेते हैं अभी विदा, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।